ऑफसेट निकाला हुआ है वेयर में प्लस किया हुआ है, अब बाकी क्या है बस प्रोग्राम को रन करना। रन कैसे करेंगे, ऑटो मोड लेना है, प्रोग्राम दबाना है, चेक दबाना है, ऑल दबाना है, सिंगल ब्लॉक को चालू करना। चालू करो, यस, एक हाथ साइकिल स्टार्ट पे, एक हाथ फीड पे, फीड को जीरो करो। फीड को कब बढ़ाना है, जब यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगा टूल का डिस्टेंस तभी फीड बढ़ाना, तब तक इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। ब्लॉक क्यों करेंगे, जॉब के ऊपर छोड़ना है हमें, ग्राफ तो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। चलिए स्टार्ट करो, एन वन है स्टार्ट करो, टूल रेफरेंस है स्टार्ट करो, टूल नंबर 7 ऑलरेडी है स्टार्ट करो, स्पिंडल घूमेगा स्टार्ट करो, मैक्सिमम स्पीड स्टार्ट करो, 47-8 को आगे आएगा स्टार्ट करो। अब देखो डिस्टेंस दिखने लगा है ना, तो अब क्या करना है धीरे धीरे बढ़ाना, दोनों तरफ ध्यान दो, अंदर भी देखो इधर भी देखो, दोनों तरफ देखो, आ रहा ना आगे धीरे धीरे। और देखो 30 बचा हुआ है, 20 बचा है, 10 बचा है, 7 2 बचा है। जब ये 0 होगा तो टूल पहुंच जाएगा, कहां तो पहुंच जाएगा, एक्स को 47, जेड को 8, जो हमने सेफ पोजीशन दिया है वहां पे पहुंच जाएगा, बराबर है। अब पुलट चालू होने वाला है, बंद करो स्टार्ट करो, और यहां से बंद करो दरवाजा खोलो। उसके बाद देखो जेड टू को टूल आपका आगे आने वाला, स्टार्ट करो, यहाँ पे दिखा रहा है टूल आगे जा गया, कहाँ पे गया, जेड टू पे गया। अब क्या होगा, G01X-1 कटिंग करते हुए नीचे आएगा, स्टार्ट करो, फीड बढ़ाओ, इधर आपको दिखता है फीड कितना है, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। अब ये कट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मटेरियल है 1.6 और कट है 2 का, ये नहीं लगेगा, अगला कट लगेगा। W147 पीछे आके ऊपर जाएगा, गया, फिर Z1 को आगे आएगा, स्टार्ट करो, ये आया, G01X-1 फेसिंग करेगा, स्टार्ट करो, बढ़ाओ फिर बढ़ाओ बढ़ाओ, काट रहा है, अब कटेगा क्योंकि मटेरियल मिल रहा है उसको। W147 पीछे आके ऊपर, 0.5 को आगे, दोबारा X-1 को फेसिंग, स्टार्ट करो, फिर बढ़ाओ, काट रहा है देखो, बढ़ाओ फिर स्टार्ट करो, पीछे आएगा, आ गया। 39 को अब टूल क्या होगा, डायमीटर को नीचे आएगा, स्टार्ट करो, अब कटिंग करते हुए 26.8 है, हेड को अंदर जाएगा, स्टार्ट करो, हेड बढ़ाओ, U1Z2 ऊपर जाके पीछे आएगा, 35.5 को नीचे आएगा, 26.8 को काटेगा, फिर बढ़ाओ, U1Z2 पीछे आ जाएगा, दोबारा 31.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर टर्निंग करेगा, अभी टेपर टर्निंग स्टार्ट करो, ये टेपर में काट रहा है देखो, आगे आगे ऊपर उठ रहा है, फिर पीछे आ जाएगा, 27.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर ऊपर जाके पीछे आएगा, 23.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर ऊपर जाके पीछे आएगा, 19.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर पीछे आएगा, 15.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर पीछे आएगा, 11.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर पीछे आएगा, 7.5 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, फिर पीछे आएगा, 7 को नीचे आएगा, दोबारा टेपर में काटेगा, ये लास्ट कट है, फिर पीछे आएगा, पुलन बंद स्पिंडल बंद टूल रेफरेंस को जाएगा, और एक बार दबाओ।
ये हो गया आपका रफिंग। अब फिनिश हम इसी टूल से करने वाले क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है, तो दोबारा ऑफसेट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नया टूल होता तो उसका ऑफसेट निकालना पड़ता, बराबर है। चलिए छोड़िए, स्टार्ट कीजिए, जीरो कर दीजिए, पिंड को स्पिंडल घूमेगा। स्टार्ट कीजिए 12.2 जेड 5 को आ गया है, फिर बढ़ाओ धीरे धीरे, सेफ पोजीशन पे आएगा जो आपके कोने में। आया, अब कूलर चालू होगा, दरवाजा बंद करो, स्टार्ट करो, यहां से कूलर बंद करो, जेड 0 को आगे आएगा, एक्स माइनस 1 को फेसिंग करेगा, फेस फिनिश होगा, फिर बढ़ाओ बढ़ा, W1 6.4 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, फिर ड्रॉप को टच करेगा, स्टार्ट करो, फिर टेपर करेगा, स्टार्ट करो, 27 mm सीधा आगे बढ़ेगा, स्टार्ट करो, 36 को ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो, 40 को चंपर करेगा, स्टार्ट करो, 47.2 को पीछे आ जाएगा, स्टार्ट करो, स्पिंडल बंद होगा, कूलर बंद होगा, टूल रेफरेंस को चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, जॉब को चेक करना है। तो अगला स्टेप होगा, जॉब को क्या करो, चेक करो, कॉपी ले ले भैया, यहां पे क्या करते हो, वर्नियर से इसको चेक कर ले, करोगे कि मैं करो, अभी क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि कितना रिवर्क है, जितना रिवर्क होगा माइनस करेंगे, दोबारा रन करेंगे। तो प्लस कितना है, 0.3 प्लस है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 0.3 माइनस करना पड़ेगा, करो, ऑफसेट में जाएंगे, वेयर में जाएंगे, 7 नंबर, माइनस 0.3, हाँ, अब क्या कर देंगे, प्लस इनपुट एग्जीक्यूट, तो 300 हमने प्लस किया था, रिवर्क आया 300 माइक्रोन, 300 हमने दोबारा माइनस किया, ये हर बार 300 ही रिवर्क आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफसेट एक्यूरेट होगा तो ये 300 ही रिवर्क आएगा, ऑफसेट में कुछ गलत है, 50-100 माइक्रोन कम ज्यादा है तो उतना डिफरेंस उसमें जरूर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा जॉब को रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, प्रोग्राम दबाओ, N2 टाइप करो, N2 सीक्वेंस नंबर सर्च दबाओ, सिंगल ब्लॉक अभी बंद कर दो, उसकी जरूरत नहीं है, दो बार साइकिल स्टार्ट करो, प्रोग्राम रन होगा, स्टार्ट करो, अभी देखो ये ऑटोमेटिक जा रहा है ना, सिंगल ब्लॉक में नहीं है, कंप्लीट होके ही रुकेगा, ये हो गया जॉब आपका पूरा। अब इसने क्या किया, एक लेयर काट दिया, कितने का, 0.3 का, जितने से रिवर्क आया था उतना लेयर काट दिया। अब दोबारा चेक करके देखते, इसको लॉक किया, निकाला, 35 को बराबर, यहाँ पे 0 है, नहीं दिखेगा कैमरा में, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो 35 को यहाँ पे बराबर 0 आ चुका है, समझ में आया। तो जितना रिवर्क आएगा उतना हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोबारा एक बार उसको रन करेंगे, तो आपका जॉब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जॉब को निकालो, 2 मिनट, चलिए, ओके, ये रिंग होता है, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका जॉब पूरा हो गया। फर्स्ट साइड में हमने स्टेप टर्निंग किया था और सेकंड साइड में हमने स्टेप और टर्निंग किया, और चैम्पर जो है यहाँ पे मैच कर दिया, जहाँ पे फर्स्ट साइड में हमने डायमीटर को छोड़ के वापस लिया था, इस तरफ से हमने उसी डायमीटर को क्या कर दिया, मैच कर दिया, तो ये कंप्लीट जॉब आपका यहाँ पे अभी रेडी। तो ऐसे कोई भी जॉब हो, करना क्या है, दोनों तरफ से एक पॉइंट पे मैच करना,
मैच करने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने जॉब किया था, लेकिन क्या किया था, बीच में मटेरियल छोड़ा था, इधर मशीनिंग किया, इधर मशीनिंग किया, बीच में मटेरियल क्या हो गया, छोड़े, अब हमने नहीं छोड़ा। देखिए सेकंड ऑपरेशन हमने किया, कैसे किया, हार्ड जॉ का इस्तेमाल करके किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, हल्का सा ढाग आया देखो, है ना। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉफ्ट जॉ में पकड़ सकते हैं, और पकड़ना ही है ना, सॉफ्ट जॉ में पकड़ना है, क्यों, डेड नहीं आना चाहिए। तो कंपनी में हम क्या करेंगे, इसको सॉफ्ट जॉ में पकड़ेंगे और मशीनिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, डेंट नहीं आएगा, समझ में आया ना। अभी अपने पास उतना समय नहीं होता है, हमें बार बार चेंज करना पड़ता है सेटिंग, तो हम क्या करते हैं, हार्ड जॉब में ही करते हैं।